नई बस्ती बडनेरा के मिलचल परिसर में पांव के पास थूकने को लेकर हुए विवाद के चलते राहुल ओशोकार नामक 35 वर्षीय व्यक्ति को एक व्यक्ति ने लोहे के पाइप से पीटकर बुरी तरह घायल किया। आज शाम 4:30 बजे घटित इस घटना के बारे में जानकारी मिलते ही बडनेरा पुलिस ने राहुल ओशोकार को तुरंत इलाज के लिए इरविन अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन वहां पर उसकी मौत हो गई। बडनेरा पुलिस ने धारा 302 के तहत अपराध दर्ज करते हुए मामले की जाँच शुरू की है। गत रोज अमरावती शहर से जिले में चारों ओर तेज आंधी तूफान के साथ मानसून पूर्व बारिश हुई, जिसकी वजह से जनजीवन काफी अस्त व्यस्त रहा। जिले में कई स्थानों पर कच्चे पक्के मकानों को काफी नुकसान पहुंचा है और कुछ स्थानों पर घरों के टीन व छप्पर भी उड़ गए। इसके अलावा कई स्थानों पर पेड़ों की टहनियां टूटकर विद्युत तारों पर गिरी और कुछ स्थानों पर तेज आंधी तूफान की वजह से बड़े पेड़ उखड़कर गिर पड़े, जिसकी वजह से वाहनों की आवाजाही के साथ ही विद्युत आपूर्ति भी लंबे समय तक बाधित रही। जिले की बरूड तहसील के हाथुरना सहित नांदगांव व गाड़ेगांव में मानसून पूर्व बारिश ने जमकर कहर मचाया। नांदगांव में 200 वर्ष पुराना नीम का भारी भरकम पेड़ उखड़कर गिरा। इसके अलावा मुर्शी तहसील के अंबाडा में रविवार की दोपहर 3 बजे के आसपास बेर की आकार वाले ओले बरसे। अमरावती जिले के साथ ही गत रोज संभाग के 5 जिलों में मानसून पूर्व बारिश और तेज आंधी तूफान का आसमानी कहर देखा गया। संभाग के वाशिम जिले में आसमानी गाज की चपेट में आकर 2 युवकों सहित 4 जानवरों की मौत हो गई। वाशिम जिले की रिसोर्ट तहसील के भर जहागीर परिसर में 35 वर्षीय संदीप दत्ता कालदाते और मालगांव तहसील के मुसलवाड़ी में नारायण गोविंदा कदम नामक 2 लोगों पर आसमानी गाज गिरी और दोनों की मौके पर मौत हो गई। इसके अलावा रिसोर्ट तहसील के कोयली यादव गाँव में 2 गाय व नंदाना गाँव में 1 भैंस व 1 बैल की आसमानी गाज की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हुई। भोकरखेड़ गांव में 2 बैलों पर हवा में उड़ते हुए टीन आकर गिरे, जिससे दोनों बैल बुरी तरह घायल हुए। कल रविवार को विदर्भ क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर घटित हुए 6 सड़क हादसों में कुल 13 लोगों की मौत हुई। इसमें से 3 सड़क हादसे तो नागपुर मुंबई समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे पर बुल्ढाना जिले में लगभग एक ही स्थान पर घटित हुए। इसमें से एक ही हादसे में एक ही परिवार के 3 लोग मारे गए। वहीं नागभीड़ के निकट ट्रेवल बस व कार के बीच हुई टक्कर में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हुई। इसके अलावा नागपुर में मोदा से रामटेक की ओर जा रही दुपहिया को तेज रफ्तार टिप्पर द्वारा पीछे से टक्कर मार दिए जाने के चलते दुपहिया सवार चाचा भतीजी की मौत हो गई। साथ ही समृद्धि महामार्ग पर घटित अन्य 2 हादसों में 1 ट्रक चालक व 1 कार चालक तथा कामठी में घटित सड़क हादसे में 1 युवक की मौत हुई। ऐसे में कल पूरा दिन अलग अलग स्थानों पर घटित सड़क हादसों और इन हादसों में बड़े पैमाने पर होने वाली मौतों का सिलसिला चलता रहा। दिग्रस निवासी मंटे परिवार अपनी कार में सवार होकर वाशिम से अपने परिवार में आयोजित विवाह समारोह निपटाकर वापस लौट रहा था। इस दौरान समृद्धि एक्सप्रेस वे पर फरदापुर टोल नाके के निकट इस कार को रोका गया और कार में सवार 3 लोग लघु शंका हेतु नीचे उतरे। इसी समय महामार्ग से गुजर रहे तेज रफ्तार सीमेंट मिक्सर ट्रक ने 3 लोगों को जोरदार टक्कर मारी और टक्कर मारने के बाद मौके से फरार हो गया। यह टक्कर इतनी भीषण थी कि विजय मांटे और उनके बेटे ओम मांटे सहित भतीजे गजानन मांटे की मौके पर ही मौत हो गई। इसके अलावा इसी महामार्ग पर घटित दूसरे हादसे में ट्रक चालक को नींद की झपकी आ जाने की वजह से ट्रक एक्सप्रेसवे से सीधे नीचे उतरकर जा गिरा। इस हादसे में ट्रक चालक की मौके पर मौत हुई। वहीं नागपुर कॉरिडोर पर मेहकर के निकट घटित तीसरे हादसे में धुलिया से नागपुर की ओर जा रही तेज रफ्तार कार उलट गई और कार में सवार एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई। नागपुर से नागभीड़ की ओर जा रही कार की सामने से आ रही ट्रेवल बस के साथ कांपा फाटे के पास कल दोपहर 4 बजे आमने सामने भीषण टक्कर हुई। इस हादसे की वजह से कार में सवार राउत परिवार के 6 सदस्यों की मौके पर मौत हुई। उधर मौदा से रामटेक की ओर जा रहे दुपहिया वाहन को पीछे से आ रहे तेज रफ्तार टिप्पर ने जोरदार टक्कर मारी, जिसकी वजह से दुपहिया पर सवार चाचा भतीजी शिवदास वंजारी व श्रुति वंजारी की मौके पर मौत हो गई। वहीं शिवदास की पत्नी रेखा वंजारी गंभीर रूप से घायल हुई। इसके अलावा कामठी क्षेत्र में तेज रफ्तार टेम्पो उलट जाने के चलते हुए हादसे में संतोष डोकरे नामक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं टेम्पो में सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। मेलघाट क्षेत्र के विधायक राजकुमार पटेल ने अपने जन्मदिन का आनंदोत्सव नहीं मनाने का ऐलान किया है। इस संदर्भ में विधायक पटेल ने मंडल न्यूज के साथ विशेष बातचीत में कहा कि मेलघाट में सड़क पानी व बिजली आपूर्ति जैसी कई मूलभूत सुविधाओं से संबंधित योजनाएं प्रलंबित हैं। इन योजनाओं का काम व्याघ्र प्रकल्प और वन विभाग की मंजूरी के कारण अटका पड़ा है। जब तक मूलभूत सुविधाओं से संबंधित कामों को स्वीकृति नहीं मिलती वे अपने जन्मदिन का जश्न नहीं मना सकते। पूर्व सांसद व शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के नेता अनंत गुड़े ने ओडिशा के बालासोर की रेल दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि इस मामले में 2 या 3 कर्मचारियों का निलंबन होगा, उसके बाद दुर्घटना की फाइल बंद कर दी जाएगी। हो सकता है अब तक इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा तैयारियां भी शुरू कर दी गई हों। महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी के अमरावती विभाग अंतर्गत 3 शहर विभाग व 19 वितरण केंद्रों द्वारा विभिन्न वर्गवारी के कुल 1,90,500 विद्युत ग्राहकों को विद्युत आपूर्ति की सेवा प्रदान की जाती है। ऐसे में सभी विद्युत ग्राहकों को विद्युत देयक अदा करने में सुविधा हेतु अमरावती शहर में 10 नए विद्युत देयक संकलन केंद्र शुरू करना प्रस्तावित किया गया है, जिसके लिए सहकारी पद संस्थाओं व नागरिक सहकारी बैंकों से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं।
शिवाजी शिक्षा संस्था द्वारा संचालित डॉक्टर पंजाबराव देशमुख वैद्यकीय महाविद्यालय के जनरल सर्जरी विभाग प्रमुख डॉक्टर एनपी उमाले को हाल ही में डॉक्टर राजेंद्र गोड़े मेडिकल कॉलेज का अधिष्ठाता बनाया गया है, जिसके चलते डॉक्टर उमाले को बधाइयां देने वालों का तांता लग गया है। सिख पंथ के छठवें गुरु श्री गुरु हरगोविंद साहब जी का प्रकाश पर्व गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में बड़े श्रद्धाभाव के साथ मनाया गया। इसके तहत आज सुबह 8 बजे सुखमणि साहब का पाठ किया गया, जिसके बाद आयल सिंघानी परिवार द्वारा अखंड पाठ साहब की समाप्ति की गई। साथ ही साथ संगत द्वारा रखे गए सहज पाठ साहब की भी समाप्ति हुई। इस अवसर पर हुजूरी रागी जत्था भाई भूपेंद्र सिंह जी ने कीर्तन प्रस्तुत किए। साईनगर प्रभाग में रहने वाले कक्षा 10वीं के मेरिट विद्यार्थियों का क्षेत्र के पूर्व पार्षद व भारतीय जनता पार्टी के नेता तुषार भारती ने समारोह पूर्वक सत्कार किया। इस समय पूर्व महापौर चेतन गावंडे व पार्टी के शहर महासचिव प्रशांत शेगोकार भी उपस्थित थे। आजाद समाज पार्टी द्वारा जीवन प्राधिकरण को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि उत्तम नगर व बिनोड़ा परिसर में इससे पहले रोजाना सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे जलापूर्ति की जाती थी, लेकिन विगत कुछ दिनों से जीवन प्राधिकरण ने बिना कोई पूर्व सूचना दिए जलापूर्ति का समय बदल दिया है और अब रात 12 बजे के बाद नलों से पानी छोड़ा जाता है। साथ ही जलापूर्ति भी पर्याप्त नहीं होती, ऐसे में जलापूर्ति के समय को पहले की तरह सुबह और शाम के वक्त किया जाए और पर्याप्त जलापूर्ति की जाए। लोक विकास संगठन द्वारा जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए कहा गया कि यदि आगामी 15 जून तक किसानों को फसल बीमा का लाभ नहीं मिलता है तो संगठन द्वारा कृषि महकमे के खिलाफ तीव्र आंदोलन किया जाएगा। एबोरिजिन्स लीगल गोंड गोवारी एसोसिएशन द्वारा कलेक्ट्रेट के सामने एक दिवसीय धरना आंदोलन करते हुए मांग की गई कि गोंड गोवारी समाज को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र दिया जाए। इसके साथ ही संगठन द्वारा जिलाधीश के जरिए राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को ज्ञापन भी भेजा गया। प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन का औचित्य साधते हुए स्थानीय महानगर पालिका द्वारा माझी वसुंधरा अभियान अंतर्गत आज सुबह 9 बजे अकोली कंपोस्ट डिपो परिसर में वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर मनपा के सभी अधिकारी व कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। नागरिक घन कचरा व्यवस्थापन के मद्देनजर महानगर पालिका के अतिरिक्त आयुक्त देवीदास पवार ने अकोली घन कचरा प्रकल्प को भेंट दी और वहां पर चल रहे काम का जायजा लिया। प्रकल्प से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के साथ ही अतिरिक्त आयुक्त पवार ने इस प्रकल्प में काम करने वाले प्रत्येक घटक को आपसी समन्वय रखते हुए प्रभावकारी काम करने के निर्देश भी दिए। महानगर पालिका के उत्तर जोन क्रमांक 1 रामपुरी कैंप अंतर्गत न्यू कॉटन मार्केट से गाड़गेनगर स्थित कुल 35 आस्थापनाओं हॉकर व हाथगाड़ियों की जांच पड़ताल की गई। इस जांच पड़ताल के दौरान एक आस्थापना धारक के पास 50 माइक्रोन से कम वाली प्लास्टिक पन्नियां बरामद हुई, जिसके चलते अजय पेन सेंटर नामक इस प्रतिष्ठान को 5,000 रुपये का दंड लगाया गया और 1 किलो प्लास्टिक की पन्नी बरामद की गई। महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था महाज्योति व संबोधि अकादमी महाराष्ट्र संचालित संबोधि स्पर्धा प्रशिक्षण केंद्र छत्रपति संभाजीनगर संस्था द्वारा चलाए जाते प्रशिक्षण उपक्रम के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 18 प्रशिक्षणार्थियों की महाराष्ट्र पुलिस दल में भर्ती हुई है। इसके चलते महाज्योति के व्यवस्थापकीय संचालक राजेश खौले ने सभी विद्यार्थियों का अभिनंदन करते हुए उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। हाईटेक से संलग्नित ठेका परिचारिका संगठन के आह्वान पर यहां की नर्सों और वार्ड बॉय ने काली फीत लगाकर काम जारी रखा है, साथ ही खुद को सरकारी अस्पतालों में समायोजित करने की मांग की है। अमरावती सहित यवतमाल वाशिम वर्धा बुलढाणा व चंद्रपुर में आज व कल कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने का अंदाजा है। इसके अलावा 7 से 9 जून के दौरान विदर्भ में चारों ओर तेज ग्रीष्मलहर रहने की भी आशंका जताई गई है। ऐसे में सभी लोगों से संभल कर रहने का आह्वान मौसम विज्ञानी अनिल बंड द्वारा किया गया है। MPDA के तहत 1 साल के लिए जेल में स्थानबद्ध किए गए छोटा रिचार्ज उर्फ सैयद फैजान की कल जेल में अचानक तबीयत बिगड़ गई थी, पश्चात इरविन अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। ऐसे में सैयद फैजान के पिता सैयद शफी ने आज फ्रेजरपुरा पुलिस स्टेशन के थानेदार गोरखनाथ जाधव से मुलाकात करते हुए आरोप लगाया कि जेल में डाले जाने से पहले उनका बेटा पूरी तरह से स्वस्थ था, ऐसे में तबीयत बिगड़ कर उसकी मौत हो जाने की बात पूरी तरह से गलत है। सैयद शफी ने आरोप लगाया कि उनके बेटे के साथ जेल के भीतर मारपीट हुई और जेल प्रशासन द्वारा अपनी किसी खामी को छिपाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं आज तमाम कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए अकोला के सरकारी अस्पताल स्थित शवागार में छोटा रिचार्ज उर्फ सैयद फैजान के शव का इन कैमरा पोस्टमार्टम किया गया, जिसकी रिपोर्ट मिलने का इंतजार किया जा रहा है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद छोटा रिचार्ज उर्फ सैयद फैजान का शव उसके परिजनों के हवाले कर दिया गया। पंचवटी क्षेत्र की TVS क्रेडिट नामक कंपनी में कार्यरत चेतन डहाने नामक व्यक्ति कई वाहनों के लोन के पैसे लेकर भाग गया। इस आशय की शिकायत आज दोपहर गाड़गेनगर थाने में दर्ज कराई गई। तलेगांव ठाकुर के खेत परिसर में कल रविवार 4 जून की सुबह 10 बजे एक युवक की फांसी के फंदे पर लटकी हुई सड़ी गली लाश दिखाई दी है। लाश बुरी तरह से सड़ गल गई थी और उसके शरीर के हिस्से भी गलकर नीचे गिर रहे थे। यह मामला उस समय उजागर हुआ जब परिसर से गुजर रहे कुछ लोगों को सड़क से गुजरते कुत्ते के मुंह में इंसानी हाथ का पंजा दिखाई दिया, पश्चात पुलिस को इसकी सूचना दी गई। मृतक की शिनाख्त तिवसा निवासी 17 वर्षीय तेजस मसले के तौर पर हुई है, जो विगत करीब 7 दिनों से अपने घर से लापता था।
अमरावती पुलिस रेंज के पुलिस महानिरीक्षक जयंत नाइकनौरे के विशेष पदक ने गत रोज बुल्ढाणा जिले के शेगांव में जलगांव जामोद रोड पर गौरव बार एंड रेस्टोरेंट में चल रहे हाई प्रोफाइल जुआ अड्डे पर छापा मारकर 81 जुआरियों को गिरफ्तार किया। साथ ही 7 लाख रुपए की नगद रकम सहित 1,08,19,000 रुपए का साजो सामान भी जब्त किया। यहाँ पर जुआ खेलते पकड़े गए लोगों में अकोला व बुल्ढाणा जिले के कई प्रतिष्ठितों का सहभाग है। रिश्ते नातों तथा रक्त संबंधों में रहने वाली नैतिकता पर काली फूटने वाली ये घटना धामणगांव रेलवे तहसील में उजागर हुई, जहां पर एक कलयुगी बेटे ने अपनी जन्मदात्री मां के साथ शरीर संबंध बनाने की मांग रखी, जिससे सख्ते में आई मां ने तुरंत ही पुलिस थाने पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने विकृत मानसिकता वाले बेटे को तुरंत अपनी हिरासत में लिया। अपनी पत्नी से उसके साथ रिलेशनशिप में रहने वाले व्यक्ति ने मारपीट की है। इस आशय की शिकायत एक व्यक्ति ने सिटीकोट वाले पुलिस थाने पहुंचकर दर्ज कराई, जिसके आधार पर कोतवाली पुलिस ने आसिफ खान मेहताब खान नामक 40 वर्षीय आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। आसेगा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत रिलायंस जियो मोबाइल टावर से 1,80,000 रुपये मूल्य वाली 4 नग बैटरियां चुराने के मामले में आसेगा पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए चुराई गई बैटरियां बरामद की है। आरोपियों के नाम शेख कलीम, शेख महबूब तथा रोशन धोत्रे बताए गए हैं। विगत 1 जून को बेलज गांव निवासी कांता ठाकरे नामक बुजुर्ग महिला के घर में घुसकर 2 अज्ञात लोगों ने खुद को कबाड़ वाला बताते हुए महिला के साथ धक्का मुक्की करते हुए उसके गले से सोने की चेन व कान से सोने के टॉप चुरा लिए थे। इस मामले की शिकायत दर्ज होने पर समरसपुरा पुलिस के साथ ही ग्रामीण अपराध शाखा पुलिस ने जांच शुरू की थी और अपराध शाखा पुलिस ने मोहम्मद इदरीस, मोहम्मद इशाक तथा मोहम्मद जबी फरात, मोहम्मद जाकिर नामक 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है, जिन्होंने पूछताछ के दौरान अपना जुर्म कबूल किया है। विगत 4 व 5 जून की दरमियानी रात अमरावती बस थाना पर सो रहे भंडारा के आलू प्याज व्यापारी भूषण गबने की जेब से किसी अज्ञात व्यक्ति ने 31,000 रुपए की नगद रकम चुरा ली थी। मामले की शिकायत मिलने के बाद कोतवाली पुलिस ने जांच करते हुए 5 जून को ही रेलवे स्टेशन के सामने स्थित गजानन महाराज मंदिर से पंजाब बोडे नामक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके पास से चोरी की रकम भी बरामद हुई। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।